अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के रेलवे स्टेशन पे, तो आपको दिखाता हूँ, विज़िट कराता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं टंडो मोहम्मद खान का रेलवे स्टेशन। अस्सलाम अलैका या खातमुन नबीयीन, लब्बैक या रसूलल्लाह। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा है इसका प्लेटफॉर्म। ये काफ़ी खस्ता हालत में हो रहा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सारा प्लास्टर ही गिरा हुआ है, यहाँ से छत पे से प्लास्टर सारा गिरा हुआ है, कभी भी छत गिर सकती है। काफ़ी कदीमी पुराना जो है वो स्टेशन है रेलवे। अंदर चल के देखते हैं। टंडो मोहम्मद खान का रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस मेन गेट है दोस्तों। प्लेटफॉर्म आपको दिखाता हूँ करीब से, और ये देख लेते हैं किराया नामा स्टेशन टंडो मोहम्मद खान मातली तलार बदीन, यहाँ से होती हुई कोटरी हैदराबाद तक जाती है। पहले चला करती थी, अब नहीं चल रही है दोस्तों। और अब तो स्टेशन मास्टर का ऑफिस है। तलहार बदीन नुराई शरीर कत्तर जिलपा हैदराबाद कोटरी चला करती थी दोस्तों। आज से 4-5 साल पहले, कोरोना से पहले तक चलती थी, फिर कोरोना के आने के बाद ये बंद हो गई थी। ये आप देख सकते हैं पार्सल गोदाम, ताला लगा हुआ है। रेलवे की बहाली कौम की खुशहाली, नॉट इन यूज। इंतजार का बराए जनाना, ताला लगा हुआ है। देखते हैं आगे पहुंचाते हैं फिर। जैसे ही मैं इंटर हुआ रेलवे स्टेशन पे, सामने अल्लाह का नाम देखा और टंकी पे लिखा हुआ है अल्लाह का नाम। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ टंडो मोहम्मद खान के, तो इस पे नज़र गई मेरा अल्लाह के नाम पर। मस्जिद है छोटी सी खूबसूरत सी, और ये आप देख सकते हैं ट्रैक की हालत बिल्कुल ख़त्म है। और ये जो है देख सकते हैं आप, ट्रैक की हालत बिल्कुल ख़त्म है। ये वाले ट्रैक थोड़ा बेहतर है। डाउन वाला थोड़ा बेहतर है दोस्तों ट्रैक की हालत। और अप वाला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं पूरी ज़मीन में धस गई है। बहुत खस्ता हालत हो रही है दोस्तों। ये देखें ट्रैक गल सड़ गया है पूरा। डाउन वाला थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये पूरा चेंज होगा दोस्तों, हैदराबाद से लेकर बदीन तक ये पूरा ट्रैक चेंज होगा।
जंग खा गए नट बोल्ट, टेढ़ी हो रही हैं पटरियाँ। तो इसके बोट की तरफ तक चलते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने जब पहले मातली की बनाई थी रेलवे स्टेशन की, उसके बाद मैंने टंडो मोहम्मद खान यहाँ की और आगे भी बनाई थी मैंने तलहार वो कत्तड़ और झील पार्क की। तो वो जो है बदकिस्मत से मेरा मोबाइल जो है गुम हो गया था, मेरी जेब से निकल गया था, तो इसलिए मैंने एडिटिंग भी कर ली थी, बस खाली अपलोड करने की देर थी, उसी दिन करता, लेकिन मेरा मोबाइल जो है जेब से निकल गया था, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सका आपको। तो दोबारा आया हूँ मैं टंडो मोहम्मद खान रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ पे जो है एक तरफ बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन वहाँ की जो है बोर्ड का दिखाने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल झाड़ियों में छुपा हुआ है, तो एक तरफ का दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं काफ़ी खस्ता हालत में है ये ट्रैक। ये देखें पापड़ी जम रही है। देखते हैं काफ़ी बुरा हाल हो रहा है, ट्रैक का गोबर पड़ा हुआ है, गाय भैंसों का पूरे गोबर से भरा हुआ है। इसका मकसद यही है कि काफ़ी सालों से यहाँ पर ट्रेन नहीं चली, पटरियाँ अंदर धस गई हैं। तो आगे बोट की तरफ चलते हैं, वो करीब ही रह गया, वो दिखाता हूँ। देखें सामने से भैंसे भी आ रही हैं, उनकी भी लेता हूँ। दोस्तों बोट की तरफ पहुँच गया हूँ टंडो मोहम्मद खान का। टंडो मोहम्मद खान का बोर्ड है दोस्तों ये, और ये भैंसें यहाँ से गुजर रही हैं। देखें मैंने बोला था ना आपको यहाँ से गुजरना होता है भैंसों का, इसलिए ये ट्रैक पे सारा इनका गोबर है। तो ये लीवर है और ट्रैक चेंज करने के लिए। आ जा बोला वीडियो, आ जा तुम्हारी वीडियो, आ जा, मसला तो नहीं है। मुसाफिर खाना दर्जा दो सेकंड क्लास का। दोस्तों तो टंडो मोहम्मद खान का रेलवे स्टेशन में दिखा दिया आपको, मैंने दिखा दिया है। तो अब कत्तड़ की तरफ चलते हैं, फिर आगे झील पार्क, तो वो मैं फिर आपको दिखाऊंगा।